नमस्कार, राम राम। आप सभी का पारमेश्वरी ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि अगर आपके हाथ में झंडा, जिसको हम कहते हैं पताका, अगर ये पताका का चिन्ह आपके हाथ में बनता है तो बहुत शुभ साइन है। ये आपको हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है, चाहे कोर्ट कचहरी हो, चाहे वाद विवाद हो, इन चीजों में आपको जीत अवश्य मिलती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और ये विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। आइए देखते हैं अपने हाथों पर क्या कहता है शुभ चिन्ह। जैसे कि कहते ना कि ये किसी किसी के हाथों पर होता है, ये बहुत धार्मिक चिन्ह है, और ये अगर आपके हाथ पे बनता है तो उसका प्रभाव कितना गहरा बना देता है। कहते हैं ना कि विजय पताका गाड़ देने वाला एक झंडा होता है। तो देखते हैं सबसे पहले गुरु के पर्वत के ऊपर। ये गुरु का पर्वत का है, इसको हम गुरु का पर्वत बोलते हैं। गुरु का पर्वत। अब ये झंडे का साइन, झंडा, जैसे कहते हैं ना, अगर गुरु के पर्वत के ऊपर ये चिन्ह बनता है, ऐसे लोग बुद्धिमान, विद्वान, मतलब बहुत ज्ञानी होते हैं। ऐसे लोग कहते हैं ना कि शास्त्रों को, जो वेदों को जानने वाले होते हैं, राजनीति का बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं, और न्याय करने के अंदर इनके अंदर एक कुशलता होती है, और वेदों को गहराई से जानते हैं। और कहते हैं ना कि गुरु के पद पाने वाले होते हैं और ज्ञान के क्षेत्र में झंडा गाड़ देते हैं, अगर आपके हाथ पर यहां पर ये शुभ साइन बनता है तो। और ऐसे लोग सेना में उच्च अधिकारी बनते हैं। इसी प्रकार से अगला साइन जो देखते हैं हम, ये शनि के पर्वत के ऊपर, कहते हैं ऐसे लोग काफी भाग्य के काफी भाग्यशाली होते हैं, इनको परमात्मा की विशेष कृपा होती है, और अपने क्षेत्र में इनके अंदर दूरदर्शी होती है। कहते हैं विनम्रता आ जाती है, जिस पेड़ में फल लगता है वो डाले झुक जाती है, और ऐसे लोग अच्छे विचारों वाले होते हैं, धर्म में विश्वास करते हैं, आस्तिक होते हैं, परमात्मा को मानने वाले होते हैं, और लोगों का आदर करते हैं, सच्चे मन से करते हैं। कहते हैं ना भाग के काफी प्रबल होते हैं, और इनको धन के मामले में विशेष सफलता मिलती है। और इसी प्रकार से सूर्य के पर्वत के ऊपर देखते हैं, सूर्य के पर्वत के ऊपर यहां पर मान की, सम्मान की, आपकी सारी वो विशेषताएं व्यक्त करता है झंडा। ऐसे लोग जीवन काल में अपने कीर्ति के साथ प्रतिष्ठा, सम्मान, मतलब कह सकते हैं संस्कार पाने वाला होता है ऐसा व्यक्ति, पुरस्कृत होता है। ऐसा क्षेत्र विद्वान, प्रतिभाशाली होता है, और अपनी कला और कौशल के दम पर किसी एक रचना कर, जैसे कहते हैं ना कि किसी में प्रसिद्धि पाता है, और उस रचना के द्वारा लोगों का दिल जीत लेता है, और ऐसा जीतता है जैसे कि कहते हैं कि ना उत्तम कलाकार होते हैं ऐसे लोग, और लेखक भी होते हैं, कवि होते हैं, एक अपनी पहचान छोड़ जाते हैं, जीवन की बुलंदियों पर ऐसे लोग आसीन होते हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, और आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।